हेलो एवरीवन, मैं नितिदीन ऑफिशियल, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस तो आप लोग कैसे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है गाइस, तो बस मैं भिंडी काटने जा रही हूँ, अभी नहाई नहीं हूँ, तो हम उसके बाद अभी हम मंजन वगैरह नहीं खाए, बस तेल लगाए थोड़ा, हमने सोचा आज बाल शैम्पू कर लेंगे, संडे है। तो जो है ये देखिए भिंडी, हमारे यहाँ भिंडी बहुत सबको पसंद है, ताज भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी बनेगी। जो है मम्मी बोली छोटी वाली है जो है, तो हम काट के दे देंगे, तो अपना बना देंगे, हम नहाएंगे, उसके बाद तब पूजा करेंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम अपने घर पे भी नहा के ससुराल में भी बिना पूजा के कुछ नहीं खाते पीते, वैसे यहाँ पे भी है। तो हमने सोचा हम भिंडी काट लें, जो है भिंडी अभी कटी रही है जो है, ये देखिए। तो भिंडी अभी, भिंडी का सीजन अब आ गया है, भिंडी बहुत महंगी, लेकिन मेरे यहाँ क्या है, जैसे जो सब्जी नए सीजन में आती है वो सब्जी मेरे यहाँ पापा तुरंत लेके आते हैं। अभी सब लोग बच्चे सो रहे हैं, तो गाइस तो जो है, क्योंकि क्या होता है, रुद्रांश जब से इस बार आए हैं तो किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ हमारे पास ही रहता, तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। जो है छोटी वाली के साथ, जैसे वो प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन हम ये सोचते हैं कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, से वो जब तक सोता रहता तब तक कर लेते हैं। इस बार तो किसी के पास नहीं होते हैं बच्चे, कभी कभार होता है कि सबके पास नहीं रहते, वैसे अब की बार वो किसी के पास नहीं रह रहा, इसलिए जो है हमने सुनो, ये देखिए हमारी भिंडी कर चुकी है, इसमें लहसुन प्याज हरा मिर्चा जीरा डालेंगे। कुछ लोग हैं सिर्फ लहसुन डालते हैं, मेरी मम्मी सिर्फ लहसुन यूज करती हैं, प्याज नहीं, लेकिन हम ये दोनों चीज़ यूज करते हैं। हमारी भिंडी कर चुकी है गाइस, तो मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद तो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ। जो है मतलब चिप्स और पापड़ जो है तलूंगी, थोड़ा मैं ससुराल से ले आई थी और छोटी भाभी लेके आई थी, छोटी भाभी मेरी लेके आई थी जो है, ये पापड़ चिप्स उनके यहाँ से था, बहुत अच्छा बनाती है मम्मी जो है। तो यहाँ पे मम्मी जैसे बना भी नहीं पाई थी जो है, उसके बाद हम घर पे बनाए थे, तो वहाँ से लेके चले आए थे, तो हमने सोचा बहुत दिन हो गया था पहले, हमने सोचा लाओ चिप्स और पापड़ जो है मतलब तल लें, उसके बाद चाय बना लेंगे। नहाने के बाद चाय ज़्यादा पीने मन करता है, तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। जो कि पापड़ बहुत अच्छा लगता, पापड़ हमें बहुत पसंद है, हमारे पति देव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे भी सबको पसंद है जो है। तो चल रहे निकलेंगे, सबको देंगे, पापड़ ज़्यादा चाय पीते नहीं है, उनको सुबह सुबह जो है चना दी थी जो है बना के, और उसके बाद फूड वगैरह सब कुछ काट के दे दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर उनको मना किए हैं ना जो पनीर वगैरह, क्योंकि उनका क्या है चार्ज के हिसाब से सारा चीज़ दिया जाता है, तो जैसे डॉक्टर बताए ना उस हिसाब से करो ज़्यादा बेहतर है। हमने आप लोग से ब्लॉग नहीं किया, पापा की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, इसी वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा। अभी पी रहे हैं उसमें पापड़ वगैरह चिप्स खा रहे हैं, उसके बाद हमको मतलब छोटी वाली चाचा की लड़की रोटी ले लेते हैं, सीख रहे हैं, मतलब छोटी वाली भाभी के पास जो है ट्रांसफर कर दिए हैं, तो भी थोड़ा रेस्ट उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि दाल चावल सब्जी और भी बनाए, तो हम भी सोचे थोड़ा उनके साथ हेल्प करा देंगे। हमारे यहाँ जो है चावल जो है मतलब गर्मा गर्म बन चुका है, भगोने में मेरे यहाँ चावल हमेशा बनता है, क्योंकि उसमें अच्छा भिंडी की सब्जी है, और ये हमारा दाल बन चुका है, सिर्फ रोटी बनानी है, आटा गूंथना है बस जो है। तो भिंडी की सब्जी, दाल चावल, रोटी मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे यहाँ सब खाते हैं जो है। चाचा की लड़की बहुत अच्छी रोटी बनाती है, अमिता बहुत अच्छा बेलती है, एकदम अच्छी अच्छी रोटी बेलती है, और फूलते भी बहुत अच्छे से रोटी जो है। गाइस शाम का टाइम है जो है, हम लोग की चाय आ चुकी है, जो हम लोग भी आ जाइए पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय जो है, और ये जो है मतलब पाव है, जो कि मेरे यहाँ मतलब ये सेका गया, हम लोग शाम को खाते हैं। जैसे चाय की लड़की जो है आलू वगैरह सब कुछ चढ़ाई है, तो भी हम लोग फ्राई करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आलू तो हमेशा जो है जब देखो तब हमेशा कचालू बनती ही रहती है। आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, तो अमिता कचालू बना रही चाचा की लड़की। क्या क्या डाली अमिता बताओ जरा? जीरा डाले हैं, हाँ, मिर्चा डाले, टमाटर डाले, आलू डाले हैं, मिर्चा डाले हैं, ये देखिए धनिया काटी, धनिया बाद में डालेंगी, भुना पिसा मसाला डाली है, टमाटर डाली है, हरा मिर्चा, जीरा, ये सब चीज़ें डाली हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा कचालू बनता रहता है, क्योंकि आलू है भी घर पे, होता या ना होता, लेकिन हम लोग को आलू बहुत पसंद है। तो आप लोग बोलेंगे इनके यहाँ कितना कचालू बनता है। ये देखिए शाम की सब्ज़ी जो है हम काट लिए हैं, आलू परवल की सब्जी बनाएंगे। जो दिन हो जाता है कि आप अक्सर देखेंगे मेरे ब्लॉग में कचालू ही बनता रहता है, तो ऐसे सब लोग बन जाता है अचानक से जो है मतलब प्लान बन जाता है, तो चलिए हम लोग कचालू बनाए, तो इसीलिए अचानक बनने लगा, तो हमको कहीं किसी तरह कचालू में उनको बना दिया। तो मैके में यही सब रहता है कि हाँ चाचा की लड़कियाँ ये लोग भी बनाती रहती हैं, हम लोग भी बनाते, जो मेरा मन करता हम लोग बना बना के खाते रहते। तो ये देखिए गाइस शाम का टाइम है, जैसा कि हम लोग चाय नाश्ता हम लोग को हो चुका है, तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी जो है। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले आलू परवल को फ्राई करूँगी, और उसके बाद इसमें जो है इसमें हमारा मसाला पीस चुका है, जो हरा मिर्च है, जैसे मेरे यहाँ पीसा मतलब लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज किया जाता, ज़्यादातर हरा मिर्चा यूज किया जाता है, अच्छा भी रहता है। तो इसमें लहसुन प्याज हरा मिर्चा जीरा वगैरह, और उसके बाद प्याज उसको काट, मतलब इसमें प्याज वगैरह सब कुछ पीस चुका है, बस उसकी सब्ज़ी बनानी है हमें जो है। तो चलिए आप लोग, सबसे पहले मैं जो आलू और परवल को फ्राई कर लेती हूँ। आलू इतना फ्राई हो चुका है, हमारा टमाटर धनिया कटा हुआ है, और इतना हमारा फ्राई हो रहा है जो है।
ये जो सिंपल सा मसाला है इसमें पड़ता वही हमने डाला गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमारे यहाँ पड़ता ही नहीं, उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर यही सब सारे हैं, बाकी टमाटर काट के हमने डाले हैं। इससे जितना आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। हमने अब कई बार ब्लॉग में आप लोग से बता चुके हैं मसाला जितना भूनेंगे जब तेल छोड़ देगा तभी आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। हमारा मसाला पक चुका है और इसमें हम परवल और आलू ऐड कर देंगे जो है, क्योंकि हम लोग के यहाँ आजकल क्या होता है सुबह दाल बनती है शाम को सब्जी चावल होती है या कुछ भी, मतलब कोई भी सब्जी होगी साग वगैरह बनती है, लेकिन हमारे यहाँ शाम को दाल बहुत मतलब ज़्यादातर नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा दाल हम लोग के यहाँ नहीं बनता है शाम को, लेकिन इतना सही काम मुझे नहीं पता रहता। मम्मी वगैरह सबको मतलब मम्मी को हम दिखा देते हैं या मतलब छोटी वाली भाभी को दिखा देते हैं कितना पानी पड़ेगा जो है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से वहाँ के हिसाब से जो है यहाँ के इतने लोगों में बहुत ज़्यादा लोग नहीं वहाँ पानी को लेकिन नहीं होता है, जहाँ जैसे जो बनाता आदत वही पड़ जाती है। देखिए इसमें हमने धनिया ऐड कर दी है क्योंकि हमारा हमेशा हम जब जितनी सब्जी बनाते हैं तो उसमें धनिया डाल देते हैं जो। सो गाइस, तो अगर आप लोग का आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ढेर सारा गाइस प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए ऐसे ही जो है ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।